गरीब बहू के अमीर सपने। संजना एक गरीब घर में पली बड़ी थी, लेकिन वह हमेशा अमीरों की तरह रहना चाहती थी। उस संजना का शादी होने के बाद उसके ससुराल वाले भी उसकी तरह ही गरीब थे। हे भगवान, मैं तो एक झोपड़ी से निकलकर दूसरे झोपड़ी में आ गई। शादी से पहले मैंने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो मेरे बाप की तरह कंगाल निकले। अभी वहाँ संजना का पति विकास आ जाता है। क्या हुआ संजना, क्या सोच रही हो? ये घर तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? घर कहाँ है, ये तो किसी भैंस के तबेले की तरह लगता है। ऊपर से हमारे घर में सुख सुविधा की एक भी चीज नहीं है। मुझे तो बताया गया था कि तुम बहुत अच्छा कमाते हो, फिर इस तरह भिखारियों वाली जिंदगी क्यों जी रहे हो? संजना, मुझ पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मेरे दो छोटे भाई बहन है, उनकी पढ़ाई का भी खर्च मुझे ही उठाना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें इस घर में रहने की आदत हो जाएगी। इतना बोलकर विकास अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन जब वो शाम को काम पर वापस आते हैं तो उसकी पत्नी घर के बाहर बैठी देख हैरान हो जाता है। अरे संजना, तुम इतनी रात को घर के बाहर क्यों बैठी हो? अरे बेटा, मैं तो कब से बहू को समझा रही हूँ कि घर के अंदर चल, आस पड़ोस के लोग इसे देखकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो अपनी जिद पर अड़ी है। संजना, बात क्या है आखिर? बात बात कुछ नहीं है, मुझे घर के अंदर गर्मी लग रही है और साथ में मच्छर भी काट रहे हैं। अब मैं इस घर के अंदर तभी कदम रखूंगी जब तुम मेरे लिए नया एसी खरीद कर लाओगे। साथ में मुझे एक फ्रिज और दीवार पर टांगने वाला बड़ा टीवी भी चाहिए। सुनकर विकास की माँ और विकास हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पड़ोसी इकट्ठा होने लग जाते हैं। अरे क्या हुआ सुमित्रा बहन, तुम्हारी बहू आधी रात को घर के बाहर क्यों बैठी है? कुछ नहीं कमला, मेरी बहू ना बस ऐसे ही जरा हवा खाने बाहर आ गई थी। मोहल्ले में बेइज्जती के डर से विकास संजना की बात मान लेता है और लोन लेकर वो बाजार से संजना की बताई सारी चीजें लेके चला आता है। अरे वाह, सच में एसी की ठंडी हवा में कितना मजा आ रहा है सोने का। तभी विकास देखता है कि उसके भाई बहन और माता पिता गर्मी में ही सो रहे हैं। यह देखकर विकास को अच्छा नहीं लगता है, वह जाकर सामने के कमरे में सो जाता है। पर इस बात से निर्मल को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन जब विकास के घर के बाहर एसी का पंखा देख तो निर्मला कहती है, अरे इस झोपड़े में एसी किसने लगवा दिया? इन लोगों के पास तो ठीक से दाल रोटी खाने के भी पैसे नहीं रहते, लेकिन जरा इनके शौक तो देखो। तुम ठीक कहती हो कमला बहन, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ये सुमित्रा तो हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए मुझसे पैसे उधार लेती है, फिर इतनी गरीबी में इसे अपने घर में एसी लगाने की क्या जरूरत थी? अरे कुछ नहीं, ये सब चार दिन का दिखावा है। देख लेना, जब एसी का लंबा चौड़ा बिल आएगा ना, तब इन्हें इनकी नानी याद आ जाएगी। ठीक एक महीने बाद विकास के घर पे बिजली का बिल आता है। बिल इतना लंबा चौड़ा रहता है कि विकास देखकर हैरान हो जाता है, और बिल ना भरने के कारण बिल काटने वाले उसके घर पे आ जाते हैं और कहते हैं, सुनिए बहन जी, आपने अभी तक बिजली का बिल नहीं भरा है, इसलिए हम आपके घर के बिजली काटने आए हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, भगवान के लिए हमें कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए। माफ करना, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपके पास आज शाम तक का समय है, बिजली का बिल भर दीजिए, वरना हमें आपके घर का कनेक्शन काटना होगा। फिर मजबूर होकर विकास कर्ज लेकर लाइट का बिल भर देते हैं। अरे क्या हुआ, आज तुम दोनों कॉलेज से जल्दी कैसे आ गए? भैया, हम लोगों ने 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी, इसलिए हमें कॉलेज से निकाल दिया गया है। यह जानकर विकास बहुत ही उदास होता है, लेकिन विकास के पास अपने भाई बहन के कॉलेज भरने के लिए फीस के पैसे नहीं होते हैं। वहीं दूर खड़ी संजना यह सब बात परेशानी देखकर भी अनजान बनने का नाटक कर रही थी। एक दिन उसका भाई उससे मिलने उसके घर पे आता है, वो कई दिनों से बीमार था। अरे क्या हुआ भैया, आपने ये हालत क्यों बना रखी है और इस तरह पुराने मैले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अब क्या बताऊ बहन, ये सब तेरी भाभी की मेहरबानी है, उसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। किसी डायन की तरह हर वक्त मेरी छाती पर बैठी रहती है और मुझसे तरह तरह की फरमाइश करती है। तू तो मेरी हालत अच्छी तरह से जानती है कि मैं मामूली सी नौकरी करता हूँ। ये सब आप क्या कह रहे हैं भैया, शादी से पहले जब भी मैं भाभी से मिली थी तब तो बहुत
सुशील और शांत स्वभाव की थी, फिर अचानक इतने लालची और मतलबी कैसे बन गई? पता नहीं बहन, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर तेरी भाभी का स्वभाव इसी तरह रहा तो एक दिन मुझे खुदकुशी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अब मैं उसे और ज्यादा नहीं झेल सकता। अच्छा चलता हूँ, बस एक बार तुझे देखने की इच्छा थी इसलिए यहाँ चला आया। इतना कहकर संजना का भाई वहाँ से चले जाता है, लेकिन संजना को अपने भाई की बात सुनकर वो अपना तुलना अपने भाभी से करने लगती है। हे भगवान, मैं भी तो अपनी भाभी की तरह बेचारे अपने पति को परेशान कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे तंग आकर मेरे पति कोई गलत कदम उठा ले। हे भगवान, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज की बाद मैं कभी किसी चीज के लिए अपने पति को परेशान नहीं करूंगी। इस तरह संजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने पति और ससुराल वालों से माफी मांगती है। मेरे झूठे दिखावे की वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई है, आज से मुझे जो भी जितना भी मिलेगा मैं उसी में खुश रहूंगी। प्लीज आप लोग मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बहू, मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन तुझे तेरी गलती का एहसास हो जाएगा। हाँ संजना, आज से तुम सुधर गई, तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।